सफलता की राह पे चलने का एक ही तरीका है, लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। लेकिन हाथ धोते समय मैं छप छप करने में बिजी हो गया और लक्ष्य बहुत आगे निकल गया। लक्ष्य की राह आसान नहीं थी, कदम कदम पर खतरे थे, कदम कदम पर रेड फ्लैग्स थे। रेड फ्लैग को देखकर मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है। उसकी तलाश में मैं कैसे दुकान पर गया जहां लिखा था प्रेटी वुमेन लेडी शॉप। मुझे लगा यहां पर मेरी तलाश पूरी होगी, लेकिन अंदर कोई भी प्रेटी वुमेन नहीं थी। उल्टा वो लोग इस बात पर गुस्सा हो गए कि मैं एक औरत की तलाश में दुकान तक पहुंचाया। उन्होंने मुझे कुत्तों की तरह पेला और बाहर छोड़ दिया। बाहर देखा मैंने कुत्तों तक की गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। इसी असमंजस में मैं उलझा हुआ था कि अचानक से डॉन का फोन आया। डॉन ने मुझे अड्डे पे बुलाया और बोला मेरे लिए एक जंगली बिल्ली लेते आना। रस्ते में मैंने जंगली बिल्ली ढूंढी और उससे कहा चलो मेरे बॉस के अड्डे पे चलो। जंगली बिल्ली ने मुझसे कहा मैं आऊं। अड्डे पे जाने के बाद बॉस ने मुझसे कहा तुम काम तो अच्छा करते हो लेकिन तुम कहीं से भी जासूस लगते नहीं हो, बॉडी वॉडी बनाओ। और इसके लिए उन्होंने मुझे एक आदमी का पता दिया। वो आदमी कोई और नहीं, जॉन स्नो था। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने उससे बॉडी का राज पूछा। उसने मुझसे कहा जूस वूस पियो, जिम विम जाओ। तो सबसे पहले मैं गन्ने का जूस पीने चला गया। गन्ने के जूस वाले से मैंने पूछा महीने का कितना कमाते हो, मेरे साथ लग जाओ, महीने के 500 रुपए दूंगा। गन्ने के जूस वाले ने कहा ये गन्ने सिर्फ मैंने जूस के लिए नहीं रखे हुए हैं। मैं उसका इशारा समझ गया और तुरंत भागता भागता जिम में गया। जिम में जाने के बाद मुझे बहुत थकान हो गई और भूख लगने लगी। जिम से नीचे उतरने के बाद मैंने 2 प्लेट मोमोज खाए और 4 प्लेट गोलगप्पे खाए और 1 प्लेट चाउमीन खाई। अब मेरा पेट भर चुका था। फिर अचानक से मुझे याद आया जॉन स्नो ने मुझे बताया था कि दूध दही भी खाने होंगे। तो अचानक से मैं एक डेयरी पे गया। डेयरी पे मैंने जाके एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। मैंने कहा तुम्हारी तो गाय बैले तक नकली हैं, दूध दही क्या असली होगा। फिर वहां से मैं निकल के घर का राशन लेने आटे की दुकान पे चले गया। आटे की दुकान का नाम था शर्मा जी का आटा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो शर्मा जी जिंदा खड़े थे। आटा गेहूं का था, शर्मा जी का नहीं। अचानक से शर्मा जी ने मुझे एक टिप दी और कहा फटाफट अपने घर वापस चले जाओ। मैं घर गया तो मैंने देखा कि लिफ्ट से जी का बटन ही गायब है और एक खुफिया मैसेज मेरे लिए था। मैंने उस खुफिया मैसेज को डिकोड किया। उसमें लिखा था तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने फटाफट आके अपने गैराज में देखा और वास्तव में मेरी एक गाड़ी गायब थी। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई और देखा एक चोर अपने साथियों के साथ मेरी गाड़ी चुरा के भाग रहा है। मैंने फटाफट अपनी दूसरी गाड़ी निकाली और चोर का पीछा किया, उसे धर दबोचा और गाड़ी यहीं लाकर वापस अपने शोरूम में रख दी। तो दिन तो बहुत सामान्य सा था, लेकिन दिन खत्म होते होते एक थ्रिलिंग इवेंट हो ही गया। चलिए मिलते हैं अगली ही किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय।